क्योंकि आप जानते हैं कि हॉस्पिटल में अब COVID-19 को डील करने के लिए जो कैपेसिटी बिल्डिंग करनी ज़रूरी है वो सब हम चाहते हैं कि हमारे पास फैसिलिटीज हो। ऐसा नहीं है कि हम जो है किसी प्रकार के लिए वेट करें, इसलिए किया है। कोशिश हम ये भी करेंगे कि और जहाँ जहाँ की ज़रूरत है वहाँ पर और भी कम कमीशन तरीका है, वहाँ पर प्रोबेबिलिटी है कि हम और भीड़ को अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं, या फिर जहाँ पे एसेंशियल सर्विसेज के लोग बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इसलिए यहाँ पे प्लीज़ की एक हमने खास यहाँ पे खबरदारी इस बात की भी ली है कि ये जो केमिकल जिसमें हम यूज़ कर रहे हैं वो जो रूटीन में जो ब्लीचिंग यूज़ होता था वो नहीं यूज़ हम कर रहे हैं, जो ह्यूमन चैंगज है जो अर्थ चैंगज है। और भी इस तरह से कहीं बनाने जा रहे हैं? अभी अभी हमारी कोशिश है, एक दो लोकेशन हमने आइडेंटिफाई किए हैं, तो जल्दी मुझे लगता है कि अच्छा हॉस्पिटल में ही आपको एक बार बनाना पड़ेगा OPD में। ऐसी कोई गाइडलाइंस हमारी प्रिंसिपल साहब के साथ दो तीन बार मीटिंग हो चुकी है, ऐसी कोई गाइडलाइंस हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से आती है तो हम लोग तैयार हैं। ओवरऑल डोडा की क्या पोजीशन अभी है? अभी तो फिलहाल आप जैसे जानते हैं कि पॉजिटिव पेशेंट कोई भी नहीं है, लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं कि हमें नाका जो है असर नाका और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, कुछ केसेस जो है ऐसा पता चला है कि वो और हाई जोन में हाई रिस्क जोन में भी आ सकते हैं, इसलिए जो खबरदारी लेनी है हमें जो क्वारंटाइन करना है, कुछ लोग जो प्रोबेबिलिटी है कि जिनको भी बाहर से इन्फेक्शन हो सकता है और जो हम वहाँ पर असर। कुछ खबर ये भी आ रही है सुबह जहाँ मरम्मत का एरिया है कुछ लोग वहाँ से उधमपुर से वहाँ से भाग के आ रहे हैं, जो जो यहाँ मरम्मत के लिए आ रहे हैं, और कुछ त्रंगल ब्रिज से होके हुए काशीगढ़ से आ रहे हैं, और कुछ जो रगी नाला से लोग भाग के आ रहे हैं, तो उसके लिए सर वहाँ पे कुछ भाई आप देखते हैं कि अभी हमारे जैसे डिस्ट्रिक्ट की बॉर्डर जो होती है वो बहुत बड़ी होती है, कभी लोगों से है कि जहाँ जहाँ पे आप हैं वहीं पे आप रहें, आप आने की कोशिश ना करें। कोशिश हम ये भी कर रहे हैं कि पुलिस पोस्ट जो दूर दराज के इलाके में आर्मी को भी हमने इन्फॉर्मेशन दे दी कि अगर कोई से आपको लगता है कि जो कर रहा है चल रहा है तो उनको डिस्करेज करें, उनको वापस भेज दें, लेकिन रिपोर्ट्स तो आती है कि लोग आने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम पूरी वहीं पर खबरदार करते हैं उनको वापस भेजा जाए। और लोकल इंटेलिजेंस भी हमारा स्ट्रॉन्ग काफ़ी है, आपके माध्यम से भी कई रिपोर्ट्स हमें मिल रही हैं, लोगों की तरफ से भी पंचायतों की तरफ से मिलती है, तो जब ऐसी रिपोर्ट्स इमीडिएटली मिलती है तब एक्शन लेना हमारे लिए बड़ा बड़ा वो बाइंडिंग होता है।